मीटिस फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, मतलब कि चाची के साथ जा रहे हैं और चाची की जो बेटी है सौम्या उसका बर्थडे है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं और जिस दिन हम लोग गए हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी बता देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं चौक शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र है शॉपिंग का, केंद्र सेंटर कहा जाता है चौक को, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे रेट पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और मतलब जितनी भी चीज़ें ट्रेंड में चलती हैं सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि आज क्या है, बकरीद है। तो हमें बिल्कुल भी याद था कि आज मतलब त्यौहार है, बकरीद है और हम लोग चले आए मार्केट और चौक की आधी से ज़्यादा, क्या मतलब मान लो तो पूरी दुकानें बंद थी, बिल्कुल 2% दुकान जो थी वो खुली थी। तो अब हम लोग आ गए हैं चौक, कि अभी हम लोग रोशन बाग में थे, वहाँ पे भी बहुत वाजिब रेट पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है रोशन बाग को, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, या फिर मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी उसको, आप देखिएगा वीडियो को। तो अब हम लोग जा रहे हैं चौक घंटाघर, चौक में हम लोग इंटर कर चुके हैं, ये पुलिस चौकी है कोतवाली चौक की, और अब हम लोग जा रहे हैं घंटाघर, जहाँ घंटाघर के नीचे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मतलब फुटवेयर मिल जाती है, जो लड़कियों की लेडीज़ कि सैंडल वगैरह होती है वो बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती है। तो ये देखिए, ये है घंटाघर, चौक का घंटाघर, जो कि बहुत ही प्राचीन है, ऐतिहासिक है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और ये कौन सी जगह है, ये निकाल ली, हेलमेट रख दी। तो अब हम लोग सीधे एंटर कर चुके हैं मोहम्मद अली पार्क के अंदर, मतलब ये एक जगह का नाम है जहाँ पे आपको गर्ल्स से रिलेटेड कुर्ती सूट और भी रेडीमेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, साड़ियाँ भी मिलती हैं थोक रेट पे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ये कहिए कि कुछ दुकानें जो थी वो खुली थी, पर वही है कि बच्चों के हिसाब से, मतलब सौम्या के हिसाब से हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे गाउन वगैरह थी जो कि बड़ी लंबी लंबी थी, मतलब उसको फिर फिट करवाते करवाते ही 2-3 दिन लग जाते और हम लोगों को तुरंत चाहिए था। बर्थडे का सामान ही ले लो, चलो तो यहाँ पे हम लोग रूम डेकोरेशन के लिए कुछ सामान ले रहे हैं, जो कि बर्थडे का सामान होता है वही सब। और यहाँ पे चाची ले रही हैं जो कि भगवान की जो अलमारी पे सजाते हैं वो वाली चुनरी वाला जो कागज होता है वो सब चीज़ें। ये 60 का है, 70 का है कि 80 का है, वो 50 का। देखो ये देखिए मुझको क्या मिलता है। इसको नहीं पहनेगी, बार्बी वाला पहनूंगी, प्रिंसेस वाला, बार्बी वाला प्रिंसेस। मिल गया प्रिंसेस को, सच में प्रिंसेस बन जाएगी। अगर कपड़ा ले लेते तो ज़्यादा समझ में आता किस कलर। तो जो थोड़ा बहुत सामान हमें मिला वो सब हम लेकर अब जा रहे हैं अपने घर की ओर, और घर जाते जाते लग गई है भूख, तो पहले हम लोग जाएंगे फुल्की खाएंगे और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। ये देखो सौम्या बैठी है जिसका बर्थडे है और चाची आगे गाड़ी चला रही है, तो मतलब यही है ना कि चाची के साथ शॉपिंग करो और मम्मी से सेवा कराओ, क्योंकि अभी मुझे मेरे बाल आप देख रहे हो इतनी हवा लगी है इसमें और इतना मतलब डर्ट पोल्यूशन से मेरे पूरे बाल एकदम रफ हो चुके थे। तो ये कितना खूबसूरत सा मौसम है, पहले आप लोग मौसम देखो उसके बाद बाल की बात करेंगे बाद में, क्योंकि अभी ब्लॉग में हम लोग कंटिन्यू बने हुए हैं साथ ही साथ। तो ये देखो आ गई फुल्की की दुकान, अब हम लोग खाने जा रहे हैं फुल्की, और हमारे प्रयागराज की फुल्की जो कि मैंने बहुत दिनों से मिस किया यार, कैसा भी हो अपना मायका तो मायका ही होता है। और ये रही मैं, अब चलो खा लेते हैं फुल्की और मिलते हैं आपको दूसरे दिन, क्योंकि फिर मैंने यहाँ पर ब्लॉग किया ही नहीं आगे ब्लॉग कंटिन्यू। और ये जिस दिन मैं पीहू के साथ आई थी शॉपिंग करने, पीहू को कपड़े दिलाने, उस दिन का है। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा दूर नहीं आए थे, थोड़ी दूर के आए थे, तो यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। और ये है तीसरे दिन का ब्लॉग, मतलब मैं 3 दिन कंटिन्यू ब्लॉगिंग की थी उसके बाद एक ब्लॉग बना है, देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं अपने बालों में लगाने जा रही हूँ हेयर पैक, और ये हेयर पैक मैं बनाऊँगी आंवला पाउडर
और रीठा पाउडर, हिबिस्किस पाउडर, भृंगराज पाउडर, शिकाकाई पाउडर से। और ये जितने भी पाउडर हैं ये हैं स्टेमियो ब्रांड के, जो कि बहुत प्योर एंड नेचुरल होते हैं। और मैं इस पर आँख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको मैं लगा चुकी हूँ इसको, और ये एकदम 100% मुझे रिजल्ट देता है। और मेरे बाल एकदम ड्राई और रफ हो गए थे। एक तो मैं ट्रेन से आई थी जब अपने ससुराल से, तब से मैंने अपने बालों में कुछ भी नहीं किया था, तो मुझे लगा कि नहीं यार, बालों का ख्याल रखना ही पड़ेगा, वरना फिर बाल झड़ने लगते हैं। फिर आप लोग बोलते हो बाल झड़ रहे हैं, कुछ बताइए। तो पहले से अगर अपने बालों का ख्याल रखोगे ना, तो फिर आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी पाउडर मैंने आपको बताए हैं, जितने भी नाम, उन सबके एक बड़े बड़े चम्मच ले रही हूँ। जितने बाल, मतलब आपकी हेयर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके बाल और बड़े हैं तो आप 2-2 चम्मच ले सकते हो, पर हाँ, तो सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो सेम रखिए। 1-1 चम्मच मैंने सब कुछ लिया है। और ये भृंगराज पाउडर है, इसको मैं अपने फेस पर भी लगाऊंगी, क्योंकि जितना मेरे बाल डैमेज हुए हैं प्रोड्यूसर से, उतना मेरा फेस भी हुआ है। कुछ तो फेस मैंने मास्क से कवर कर रखा था, बट जितना भी दिख रहा था उतना तो मुझे अच्छे से क्लीन करना ही है, फेस पैक लगाना ही है, क्योंकि अभी फिर आने वाला है सौम्या का बर्थडे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले से अपनी जो स्किन है उसका अच्छे से ख्याल रख लूँ, क्योंकि अगर स्किन अच्छी रहती है तो मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी इतनी गर्मी में ना इतना पसीना होता है कि मेकअप जो होता है वो सब बह जाता है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल वाटर ले रही हूँ, आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी जो होता है गुनगुना पानी वो भी डाल सकते हो, बट यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल वाटर ली हूँ। और यहाँ तक अभी तक फ्लैश नहीं जल रहा था मोबाइल का, देख सकते हो। तो अब इसमें पानी डाल के इसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो चलो फटाफट से पेस्ट तैयार करते हैं। और अगर आपको ये फेस पैक चाहिए सारी चीज़ें, तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पर ये अवेलेबल है, तो मेरे कहने पर एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और ये देखो, मतलब चाची के साथ मैं घूम रही हूँ और मम्मी से सेवा करा रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो हेयर पैक लगा रही हैं, और बिल्कुल इसको मेहंदी के जैसे लगाना होता है, मतलब आपकी जड़ों में भी लग जाना चाहिए, क्योंकि ये प्योर एंड नेचुरल है, तो आपकी जो स्कैल्प है उसको बिल्कुल भी कुछ हार्मफुल नहीं होगा। और ये बिल्कुल ठंडा, मतलब इतनी गर्मी है ना उसके हिसाब से ये बहुत ठंडक देगी। तो चलो अभी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ, और उसके बाद इसको वॉश भी करना है। तो इसको मैं 1/2 घंटा 45 मिनट इतना ही रखती हूँ, आप भी रख सकते हो। और उसके बाद फिर मैं नहा भी लूँगी, क्योंकि अभी मैं नहा ही नहीं हुई यार। और मैंने इसे फेस पे भी लगा लिया, ये देखो ये बिस्किट पाउडर जो था इसको मैंने एज़ अ फेस पैक अपने फेस पे लगा लिया है। और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मुझे पैचेस वगैरह की है, मतलब दिक्कत, वहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा लगा दिया है। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा नहा के। सो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, और ये देखो मेरे बाल, जो कि मैंने हेयर पैक लगाया था, उसके बाद से अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी थोड़े थोड़े गीले हैं। और मैं सोची कि थोड़ा सा काजल वाजल लगा लूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो थ्रेडिंग भी बन गई है, तो मैंने कहा कि चलो फेस पे हिबिस्किस पाउडर लगाया है, वो भी बहुत अच्छा है। और बस अभी मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया और कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आपकी नेचुरल स्किन अच्छी रहेगी ना, तो आपको किसी ओवर मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होगी, जैसे कि फाउंडेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप नेचुरली अपने स्किन को अच्छा रखिए, अपने बालों को अच्छा रखिए। आंवला आप खा भी सकते हो, आप बालों में लगा भी सकते हो। तो अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट लेने हैं, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर नहीं लेना है तो भी एक बार जाके देखिएगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कितने का है, शायद आपका मन हो ही जाए लेने का, है ना। तो चलो ठीक है, अभी मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी दिनों से मैंने रील्स नहीं बनाए हैं, तो रील्स बना लेती हूँ। वैसे ये कपड़े पूरे नहीं हैं, इसे भी बना लूँगी, वरना फिर और कुछ चेंज कर लूँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और छत पर रील्स बनाना है। तो देखते हैं, अभी तो निखिल भी नहीं आया, अभी उसका एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम देने गया है। अगर वो आ जाएगा, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो अगर वो आ जाएगा जल्दी, तो फिर थोड़ी देर खाएगा पिएगा, उसके बाद फिर हम लोग रील्स बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।